ए टू जेड अपडेट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। सो मैं आज बात करने वाला हूँ यामाहा की FZX के इंडियन लॉन्च, यानी कि उसकी कुछ डेट्स निकल कर आई है उसके बारे में बात करने वाला हूँ, उसके रिव्यू स्पेसिफिकेशन और ये बाइक में कौन से अपडेट्स देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बात करूँ इस यामाहा FZX के बारे में तो बहुत ही सारे लोग इस बाइक के लिए बहुत ही टाइम से वेट कर रहे हैं। सो गाइस, फाइनली ये न्यूज़ आई है कि ये FZX जल्द ही इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही टाइम से इंडियन मार्केट में चल रहा था और बहुत ही सारे स्पाइड शॉट में ये लीक भी हुई है, और इसी के साथ साथ बेल्ट रोड कंडीशन यानी कि हिमालय में भी इसका टेस्टिंग हुआ था जिसमें भी बहुत ही सारे स्पाइड शॉट लीक हुए थे। सो गाइस, बात करूँ इस बाइक के बारे में तो ये बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है, यानी कि आप इसको बोल सकते हो कि ये बजट सेगमेंट में बाइक रहने वाली है, और इसी के साथ साथ ये FZ के लाइनअप में ये नई बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है। और गाइस, इस बाइक के बारे में बात करूँ तो इसका प्राइस अराउंड 1,14,000 के आसपास इसका प्राइस एक शोरूम वाला प्राइस रहने वाला है। सो गाइस, इस प्राइस सेगमेंट में बात करूँ तो ऐसे लुक में यानी कि इस रेट्रो लुक में ऐसी कोई भी बाइक नहीं है कि ये प्राइस सेगमेंट में आती है। सो गाइस, यामाहा की तरफ से ये बाइक इंडियन मार्केट में आने वाली है जो कि रेट्रो बाइक रहने वाली है, यानी कि यंग एज वाले जो लड़के हो गए और इसी के साथ साथ एजेड पर्सन भी इस बाइक को परचेस कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा जा सकता है कि जो एजेड लोग होते हैं वो बुलेट जैसी बाइक होती है और रेट्रो बाइक होती है वैसी बाइक को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सो गाइस, ये बाइक उनके लिए ही बनी है। सो गाइस, ये बाइक एक बजट सेगमेंट में इंडियन मार्केट में आने वाली है। और इसके स्टाइल के बारे में बात करूँ तो इसका जो स्टाइलिंग होगा वो SXR 155 cc का यामाहा का बाइक है वैसा ही इसका स्टाइलिंग रहने वाला है, यानी कि इसमें हमें कंफर्टेबल राइडिंग स्टाइल पोजीशन देखने को मिलने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसके इंजन के बारे में बात करूँ तो इसका इंजन जो होगा वो FZS FI का V3 वाला इंजन है, वही इंजन इसमें रहने वाला है। यानी कि पावर टॉर्क के बारे में बात करूँ तो इतना ज़्यादा पावर टॉर्क नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो कंफर्टेबल राइडिंग है वो हमें इसमें देखने को ज़रूर मिलने वाली है। और गाइज, इसमें जो न्यूज़ निकल कर आई है वो ये है कि इसका जो वर्चुअल इवेंट अभी इंडियन मार्केट में होने वाला है, यानी कि जून की 18th ऑफ डेट को इसका वर्चुअल इवेंट होने वाला है, और ठीक 11 बजे सुबह में इसका वर्चुअल इवेंट हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि ये इंडियन मार्केट में जल्द ही आ रही है। और इसके कंपेटिटर के बारे में बात करूँ तो इस प्राइस सेगमेंट में हमें होंडा की एक्सप्लोर देखने को मिल जाती है, और इसी के साथ साथ NS 160, अपाचे RTR 160, ये इससे कंपेटिटर रहने वाले हैं। सो गाइस, आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।